दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा में धुआंधार भाषण दिया। मतलब ऐसा भाषण दिया कि कल से अब तक उन्हीं के चर्चे हैं। हर कोई उन्हीं के भाषण की या तो कोई तारीफ कर रहा है या उसकी आलोचना कर रहा है। इस बीच अभिषेक बैनर्जी जब लोकसभा में बोल रहे थे, अचानक दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज खड़ी हुई और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आज उस पर काफ़ी शोर शराबा लोकसभा में हुआ है। बांसुरी स्वराज ने अभिषेक बैनर्जी के भाषण का विरोध करते हुए क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। एक नहीं बल्कि तीन बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। अब आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों कह रहा हूं, इससे बचना चाहिए, उचित। दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी ने अपने लंबे चौड़े भाषण में बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने एक तरह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला पर भी मजाक में कटाक्ष किया कि जब आप विपक्ष अगर पुरानी बातें करता है, नोटबंदी की बात करता है तो आप टोक देते हैं, सत्ता पक्ष जब इमरजेंसी की बात करता है या सत्ता पक्ष जब नेहरू की बात करता है तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा भी अभिषेक बैनर्जी ने बड़े आरोप लगाए सरकार पर, सरकार का एक तरह से मजाक भी उड़ाया, बीजेपी का मजाक भी उड़ाया, 400 पार के नारे का मजाक भी उड़ाया। जिसे लेकर बांसुरी स्वराज ने खड़े होकर कहा कि अभिषेक बैनर्जी के भाषण में ऐसे कई शब्द थे जो कि नॉन पार्लियामेंट्री थे, मतलब असंसदीय थे, इसलिए उनको हटाया जाए। और ऐसा ही आज लोकसभा में देखने को भी मिला। जब लोकसभा शुरू हुई तो न केवल सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा गया बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी सामने आए। उन्होंने भी कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि मैंने लोकसभा की कार्रवाई से उन शब्दों को निकाल दिया है। हालांकि केवल अभिषेक बैनर्जी नहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी कल बेईमान शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसको लेकर भी सत्ता पक्ष का विरोध है कि ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए और इस तरह के शब्दों को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध जाहिर किया गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।